हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहद ही खुशखबरी। जी हाँ, ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर हो रही है भर्तियाँ। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है सुनहरा मौका। क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, तो चलिए बताते हैं आपको हमारे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UPSSSC ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जी हां, UPSSSC इस भर्ती के जरिए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी के सैकड़ों पदों पर उम्मीदवारों का चयन करेगी। विभाग ने कुल 1953 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। जैसा कि दोस्तों बता दें आपको, 12वीं पास उम्मीदवार भी इन पदों पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए ये एक बेहद ही सुनहरा अवसर है। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित तहसील कार्यालय एवं ग्राम पंचायत में की जाएगी। बता दें आपको कि इच्छुक उम्मीदवार 25 जून 2018 तक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की जो पे स्केल होगी वो है 5,200 से लेकर 20,200 रुपए तक दी जाएगी और चयनित उम्मीदवारों की जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपए होगी। इन पदों पर आवेदन के लिए 18 साल से 40 साल तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। जैसा कि दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी एंड सैलरी डिटेल के विषय में, तो बता दें आपको पद का जो नाम है वो है ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी। तो वहीं रिक्त पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने कुल 1953 पदों पर सिलेक्शन के लिए वैकेंसी निकाली है। तो वहीं बात की जाए अगर वेतनमान की, तो बता दें आपको चयनित उम्मीदवारों को 5,200 से लेकर 20,200 रुपए की मासिक सैलरी मिलेगी और उनका जो ग्रेड पे होगा वो 2,000 रुपए का होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंट पोस्ट डिटेल के विषय में। तो बता दें आपको, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो कुल पोस्ट है वो है 1527, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए है 842, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 370, एससी कैटेगरी के लिए 296 और एसटी कैटेगरी के लिए 20। तो वहीं बात की जाए समाज कल्याण अधिकारी के पोस्ट के विषय में, तो इनकी कुल पोस्ट है 64, जिसमें से जनरल के लिए है 33 पोस्ट, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट, एससी के लिए है 14 पोस्ट और एसटी के लिए 00 पोस्ट। तो वहीं बात की जाए ग्राम विकास अधिकारी के कुल पोस्ट के विषय में, तो बता दें इनकी जो कुल पोस्ट है वो है 362, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 182, ओबीसी कैटेगरी के लिए 97, एससी कैटेगरी के लिए 76 और एसटी कैटेगरी के लिए 07। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के विषय में। पहला आता है महत्वपूर्ण तिथि। जी हाँ, आवेदन करने की जो आखिरी तारीख निर्धारित की गई है वो है 25 जून 2018। तो वहीं दूसरा आता है शैक्षणिक योग्यता। जी हाँ, इच्छुक उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है। तो वहीं तीसरा आता है चयन प्रक्रिया। जी हाँ, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में 300 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आखिर में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के विषय में। तो बता दें आवेदन शुल्क जो इसमें रखा गया है वो है सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदकों के लिए 185 रुपए और एससी एसटी पीएच उम्मीदवारों के लिए 95 रुपए, जबकि पीएच कैंडिडेट को 25 रुपए एप्लीकेशन फी का भुगतान करना होगा। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो बता दें इच्छुक उम्मीदवार UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.upsssc.gov.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल।